हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राय आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में करता हूँ। दोस्तों, पर्यावरण की सीरीज़ काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, तो मैं सोचा कि अब जितनी भी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है मैं फास्ट ट्रैक पे 4 या 5 वीडियोज़ अभी अपलोड करूँगा। और जितनी भी टोटल मेरे ख्याल से ये PART-21 है और अभी कुछ और 4 वीडियोज़ और आएंगी, तो PART-25 तक हमारा पर्यावरण का लिमिट था और हम उसको आज पूरा कर लेंगे। और आई होप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना सीटेट में पूछे जाएंगे ना UPTET में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हो सकता है तो मैं कुछ और चीज़ों के वीडियोस अपलोड कर दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट मुझे फैक्ट्स लगेंगे इसके अलावा, क्योंकि आप सभी को पता है कि UPTET या हो या सीटेट हो, फैक्चुअल चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं, जिनको हमको मतलब जो चीज़ हैं तो हैं और उनके बारे में कोई तर्क या कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पर्यावरण सीरीज़ का PART-21 है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जैसे मैं पिछली वीडियोस में लेके आया हूँ उसके, उनके उत्तर लेके आया हूँ, और इनको देखेंगे आप तो आपको बहुत ढेर सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिएगा मुझे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ लोगों की शिकायत आती है फ्रेंड्स कि आप सर छोटा छोटा काफ़ी लिखते हैं और सही से क्लियरिटी नहीं, विजिबल नहीं होता मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ रहा है अभी, इस समय बर्डन वर्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और अगर मैं ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है? और अगर आप सजेस्ट करेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस और पिछली जितनी वीडियोस हैं सबके PDF उनमें टैग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला फैक्ट है कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में, सिर्फ एक दिन में वो 100 किलो से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा सकता है। ये CTET में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन दे देगा कि कितने किलो खा सकता है, 1 टन खा सकता है, 400 किलो, 500 किलो खा सकता है एक दिन में, 10 दिन में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा जो हाथी होता है, मैच्योर हाथी जो होता है, एक दिन में 100 किलो तक का और पत्ता और झाड़ियाँ खा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक दिन में जो ये हाथी है ये बस 2 से 4 ही घंटे सोता है। सब सोचते हैं कि भारी भरकम जानवर है, बहुत बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा समय लेता होगा, आलसी, बहुत धीरे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 2 से 4 ही घंटे सोता है 24 घंटे में। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स कि छोटे हाथी के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे हाथी होते हैं, तो वो जो 3 महीने के होते हैं तो उनका लगभग वज़न होता है 200 किलोग्राम। मतलब 200 किलो के होते हैं जो छोटे बच्चे हाथी के होते हैं, आप देखते होंगे तो उनकी वज़न 200 किलो होता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि हाथी 14 से 15 साल बाद अपना झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। मतलब जिस ग्रुप में वो लोग रहते हैं, अगर 14-15 साल के हो जाते हैं हाथी लोग, तो वो मैच्योर हो जाते हैं, अपने आप में बहुत प्राउड हो जाते हैं और वो ग्रुप हटा के अपना अकेले रहने लगते हैं और फिर उसके बाद अपना ग्रुप फॉर्मेशन वहाँ करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि जिन जानवरों के कान बाहर देखिए, ये जो मैं फैक्ट बताऊँगा ना अभी, दो अगला फैक्ट, ये आप खुद ही एनालाइज करिएगा, अगर अपने आसपास के जीव जंतुओं को देखिएगा और आपकी फैक्ट समझ में आएगा कि सही है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं हमको, उनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर हमको दिखाई देते हैं कि कान जैसी कोई संरचना उनके शरीर में है, बाहर दिखती है, तो उनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है? और वो बच्चे देते हैं, ठीक है? वो बच्चे देते, जिनके कान हमको बाहर दिखाई दें वो बच्चे देते हैं, ठीक? लेकिन जिनके कान ना दिखाई दें हमको बाहर और उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते, जिनके कान अंदर होते हैं, आंतरिक संरचना होती है उनके कानों की, तो उनके शरीर पे बाल नहीं होता है और वो अंडे देते हैं, ठीक है? बच्चे नहीं देते हैं। ये आप फैक्ट, जैसे इसमें मैं बात करूं कि जिनके कान अंदर रहते हैं और उनके शरीर पे बाल नहीं होता है और वो अंडे देते हैं, तो सबसे कॉमन एग्जांपल आपके घरों में सबके यहाँ छिपकली होंगी, लिजर्ड होंगे सबके घर में, ठीक है? छिपकलियाँ सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, स्नैक हो सकता है, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स? और इसमें आप देख सकते हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, कोई भी जानवर ले लीजिए आप, हाथी, घोड़ा और जो भी ले लीजिए आप, इवन हम लोग जो मैमल्स होते हैं, हम जो स्तनधारी होते हैं, हमारे अंदर भी गुण पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं, ये तो हमने जान लिया। और नेक्स्ट है कि जानवर की जो खाल पे डिज़ाइन होती है, जैसे आपने ज़ेब्रा पे देखा होगा डिज़ाइन दिखती होगी, पैटर्न रहता है वाइट और ब्लैक, वाइट और ब्लैक का पैटर्न रहता है, स्ट्रिप टाइप का रहता है, पट्टी टाइप नुमा रहता है और कई जानवरों के ऊपर रहता है, तो उनके जो बाल होते हैं ना उनके शरीर पे, उनकी वजह से होता है, उनके बालों का जो संरचना होता है वैसे ही ये फॉर्मेशन में होता है। अब मैं जो बता रहा हूँ ये मतलब ये ऐसे ही पढ़ नहीं रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आई होप जिन्हें सीटेट का पेपर जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर बता रहे हैं, ठीक है। आई होप आप आराम से समझिएगा इसको, पूरा समझ में आएगा इतनी आसानी से मैं बताऊँगा। और नेक्स्ट फैक्ट है कि खेजड़ी पेड़, याद रखिए खेजड़ी पेड़ जो होता है ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है, जैसे राजस्थान का अपने भारत में हो गया राजस्थानी इलाका, तो ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती खेजड़ी पेड़ को। इसकी खासियत क्या होती है कि इस पेड़ की जो छाल होती है ना, इसको दवा में हम लोग यूज़ करते हैं। किस दवा में, जो भी यूज़ है, जैसे घाव का हो गया, घाव की दवा में तो जो लिक्विड टाइप की आती हैं जितनी भी दवाएं आती हैं या क्रीम्स जो भी यूज़ होते हैं, तो खिचड़ी दवा से बनते हैं। और इसकी लकड़ी जो होती है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो लकड़ी होती है ना उसमें उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा का मतलब है कि उसमें दीमक नहीं लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि जो मधुमक्खी लोग पालन करते हैं, मधुमक्खी जो पालन बी कल्टिवेशन जो बी फार्मिंग होती है जो भी होती है, तो उसमें सबसे अच्छा समय जो होता है इसका मधुमक्खी पालन का, वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और नेक्स्ट फैक्ट है यही मधुमक्खी से रिलेटेड है कि जो लीची के फूल होते हैं ये फरवरी मतलब फरवरी महीने में खिलते हैं, और ये मधुमक्खी जो होती है ना ये इनसे सबसे ज़्यादा शहद सोखती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और लीची के जो फूल होते हैं जो फरवरी में खिलते हैं, याद रखिए कि फरवरी में खिलते हैं, और मधुमक्खी सबसे ज़्यादा शहद इन्हीं से सोखती हैं लेती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये सब गुजरात में है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बस इन्हीं चीज़ को क्यों बता रहा हूँ और ढेर सारी चीज़ों क्यों ना बताऊँ, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि गांधीधाम से लेके एक ट्रेन चलती है और केरला का कोई एरिया है जैसे मडगांव है गोवा में जगह, या कोझिकोड है केरला में, तो यहाँ तक जाती है, ठीक है, लेकिन बताता नहीं है, बस बोलेगा गांधीधाम से एक ट्रेन चलती है और कोझिकोड तक जाती है, तो ये बताइए गांधीधाम किस राज्य में पड़ता है या कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को मैं लेके आता हूँ जो आपको मैक्सिमम यूज़ कर सकें आपके एग्ज़ाम में उन फैक्ट्स को, और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कोझिकोड कहाँ है, केरला में है, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है, मडगांव गोवा में है, याद रखिएगा। और मलयालम में जो विलम्मा होती है ना वो माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, जिनको हम लोग बड़ी मौसी बोलते हैं, माँ की जो बड़ी बहन होती है उनको मलयालम में विलम्मा बोलते हैं, और अम्मूमा अपनी नानी को बोलते हैं, अम्मूमा आधा माँ फिर मुँह माँ अम्मूमा, अब जो आप प्रोनंसिएट करें मैं अम्मूमा बोल रहा हूँ, ये नानी को बोलते हैं हम लोग, जो कॉमन वर्ड नानी यूज़ करते हैं, तो अम्मूमा मलयालम में अम्मूमा बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रही आज की पर्यावरण की वीडियो, और आई होप आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, मुझे पता है बहुत ढेर सारी मैं नई चीज़ों को लेके आया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को न्यूज़ पता चले, ये जो भी नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग प्रेस किया करें। कई लोग मुझे शिकायत करते हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप बेल आइकन को अगर प्रेस करते हैं, जब आप रेड कलर के बटन को प्रेस करेंगे सब्सक्राइब के बटन को, तो फिर उसके बाद बेल आइकन एक अपीयर होगा, एक घंटीनुमा आकार अपीयर होगा, उसको पे भी क्लिक करना आपको बहुत ज़रूरी है, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।